आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हिमाचल के कांगड़ा में जनसभा को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि अब हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी पर झाड़ू चलेगी और पहाड़ी प्रदेश को एक ईमानदार सरकार देंगे। काफी सारे लोगों को हम कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता ज्वाइन करा रहे हैं, ऊपर ऊपर नेता बचे हैं, बचेंगे कांग्रेस और बीजेपी के, नीचे सब कुछ हम साफ कर देंगे, झाड़ू चला। देखिए, हमने कहा है, हम उनके बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है। देखो, हम लेंगे तो अच्छे लोगों को लेंगे, और मैं अपील भी करूंगा कि जितने भी अच्छे लोग हैं, पहले ऑप्शन थी नहीं, कांग्रेस और बीजेपी थी यहाँ पे और कुछ था नहीं, तो जितने भी अच्छे लोग हैं वो हमारी तरफ। बिल्कुल, राजनीतिक परिस्थिति अलग है, भौगोलिक तो थोड़ा फर्क है, यहाँ पे बेईमानी का राज है, चोरी चकारी का राज है, बीजेपी का तो काम ही भ्रष्टाचार और कुछ है नहीं, दिल्ली के अंदर ईमानदारी की सरकार है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल्ली वाला मॉडल वो नहीं लगा सकते, चालू कर सकते, हम कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की हिमाचल में सरकार बनेगी तो ईमानदार काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी, जनता के लिए काम करेगी। देखिएगा, वो बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब तीसरी पार्टी की आवश्यकता नहीं है, वो कांग्रेस से खुश हैं, कहते भाई कांग्रेस और बीजेपी की तो सेटिंग है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, पीछे 40 साल से ड्रामा चल रहा है, वो बारी बारी खेल रहे हैं, एक बारी उसकी एक बारी उसकी एक बारी उसकी, तो कहते आम आदमी पार्टी ना आ जाए। भाई तुम्हें इतना तकलीफ क्यों है, इतना डर क्यों है? और दूसरी बात, देखो, जिस आम आदमी पार्टी की दिनों रात बुराई करते हैं उसको फिर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अगर तुम सीरियस हो, तुम्हें सीरियसली काम करना है, तो जो जो घोषणाएं जहाँ पे जीते हो, अभी उत्तराखंड में जीते हैं ना, वहाँ पे तुमने कहा था बिजली फ्री करेंगे, क्यों नहीं करी? हम करें हिमाचल में करेंगे 125 यूनिट, कब तक? इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद नहीं करनी। अगर ये सीरियस है इलेक्शन के बाद भी करना है तो सारे राज्यों में करें ना, जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं। वो कहते हम कहीं नहीं करेंगे, इलेक्शन के लिए वादा जरूर करेंगे, इलेक्शन तक 3-4 महीने के लिए करेंगे। तो ये बिल्कुल लोगों को समझ में आ रहा है, इन्होंने कुछ नहीं करना है, ये हमें कॉपी कर रहे हैं, पर कॉपी भी कुछ समय के लिए कर रहे हैं, और ये बिल्कुल क्लियर है। ऐसा है, केसेज जरूर बढ़ रहे हैं, बट दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन फुल्ली वैक्सीनेटेड है, अभी नेक्स्ट डोज भी हम फ्री में लगा रहे हैं, सभी लोगों को लगाने जा रहे हैं, तो क्योंकि सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं, बहुत बड़ी संख्या पहले से इन्फेक्ट हो चुकी है, तो जो कोरोना के केसेज आ भी रहे हैं तो ज़्यादा सीरियस नहीं है, और 1000 केस भी आए हैं तो एडमिशन हॉस्पिटल में बहुत कम है, हॉस्पिटल एडमिशन इज वेरी लॉस। हमें देखो, बच्चों में पहले भी संक्रमण बराबर था जितना बड़ों में था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चों में अलग से संक्रमण हो रहा है, पर हाँ उनके अंदर सीवियरिटी बहुत ही कम है। स्कूल क्योंकि चल रहे हैं तो बच्चे हॉस्पिटल एडमिशन भी एडमिशन नहीं हो रहा, हॉस्पिटल एडमिशन बच्चों का बिल्कुल नहीं।